हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हिकविजन में आईपी एड्रेस कैसे चेंज करते हैं। अपना कुछ कैमरा है, मैंने 1K सीरीज़ में आईपी एड्रेस डाला है और मैं चाह रहा हूँ इसको 1K सीरीज़ को हटा के 29K सीरीज़ में डालने का आईपी एड्रेस। तो आप इसको 2 मिनट में कैसे आप कर सकते हैं? मेरे पास तकरीबन आईपी एड्रेस चेंज करने के 16 हैं, देख सकते हैं। और मेरे पास मैं चाह रहा हूँ कि ये आईपी एड्रेस जल्द से जल्द मेरे को चेंज करने का है। तो आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला तो SADP टूल से कर सकते हैं और दूसरा आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके भी कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर से करने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसके लिए हम लोग SADP टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से आईपी एड्रेस चेंज करेंगे ताकि मुझे टाइम कम लगे। तो इसी के साथ चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे SADP टूल से हम आईपी एड्रेस चेंज करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि आपने अगर आईपी फाइंड करने के लिए हिकविजन का जो आईपी एड्रेस फाइंड आउट करते हैं तो उनके लिए हमें हम लोग SADP टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अपने SADP टूल्स अगर आपने डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर किया है तो उनको आप ओपन करके कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो हिकविजन के लिए SADP टूल्स आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो SADP टूल्स को सबसे पहले ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे, SADP टूल्स ओपन करते ही आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी आईपी एड्रेस हैं वो सारे के सारे यहाँ शो कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि अपने को आईपी एड्रेस चेंज करने का है, तो चलते हैं फटाफट देखते हैं कि कैसे SADP टूल्स के थ्रू से आईपी एड्रेस चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद क्या करेंगे कि जिसका भी आईपी एड्रेस, जो भी आईपी एड्रेस मेरे को चेंज करने का है उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आपका आईपी एड्रेस दिख जाएगा। तो आप यहाँ आ जाइएगा। अभी मेरे को 1K सीरीज में है तो इसको मैं 29K सीरीज में डालना चाह रहा हूँ, तो 29 यहाँ पे कर देंगे। और जो कैमरे का, ये मेरा कैमरे का आईपी एड्रेस है, और जो कैमरे का आपका पासवर्ड रहेगा कैमरे का, वो पासवर्ड आप डाल दीजिएगा। मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालते ही आपने मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ सक्सेसफुल लिखा के आ जाएगा। एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे हम कि हुआ या नहीं हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि 192.168.1 सॉरी 0.29.208 के सीरीज में चेंज हो चुका है। इसी तरह मैं दूसरा को भी एक बार और ट्राई करता हूँ, मैं दूसरा आईपी एड्रेस क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार फिर से मैंने दूसरा 192.168.1.206 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, 1 को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे 29 डाल देंगे। 29 के सीरीज में आ गया। जो मेरा कैमरे, ये मेरा कैमरे का आईपी एड्रेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ कैमरे हैं जिसके आईपी एड्रेस मेरे को चेंज करने का है और मेरे पास टाइम कम है, इसके लिए मैं जल्दी फटाफट करना चाह रहा हूँ इस साइड पे। तो इसके लिए मैंने SADP टूल्स का की मदद से कर रहा हूँ। तो अपना जो कैमरे का पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल देंगे फटाफट। पासवर्ड डालते ही अपन यहाँ पे मॉडिफाई पे करेंगे, यहाँ आ गया लिखा के सक्सेसफुल। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि 206 जो कि अभी 1K सीरीज में था, वो 206 वो अभी 29K सीरीज में आया या नहीं आया, ये चीज़ अपन देख लेंगे। 206 ऊपर टॉप में आप देख सकते हैं कि 192.168.29.106 ये हमारा 29K सीरीज में आ गया है। तो आप इसी तरह से वन बाय वन करके आप आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं SADP टूल्स की मदद से। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।